जिंदाबाद जिंदाबाद कन्याकुमारी जिंदाबाद 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 राजधानी पार्टी जिंदाबाद 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 व्यापार सभा जिंदाबाद। मुरादाबाद कपड़े जूते पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा का जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि सिविलाइन थाना क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी व्यापार सभा से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए प्रदेश सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा कपड़ों फुटवेयर जूता चप्पल आदि चीजों पर जीएसटी बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया है। इन चीजों पर जीएसटी बढ़ाने से व्यापारियों को खासा दिक्कतों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर आज समाजवादी व्यापार सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और सरकार से मांग की गई है कि कपड़ों फुटवेयर जूते चप्पल पर जीएसटी को तुरंत हटाया जाए। क्या नाम है आपका और किस पद पर है और क्या प्रदर्शन किया जा रहा है? सतीश शर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी व्यापार सभा का। और आज जो ये प्रदेश व्यापी धरना हमारे माननीय संजय गर्ग जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला इकाई हर महानगर इकाई ये धरने दे रही है। एक जनवरी 2022 से जूते पे और कपड़े पे ईंट पे इन सारी चीज़ों पे 5% से बढ़ा के इन्होंने जीएसटी जो टैक्स है वो 12% कर दिया है, जो कि बहुत बड़ा कुठाराघात है व्यापारियों के साथ। व्यापारी तो वैसे ही लॉकडाउन नोटबंदी और विसंगतिपूर्ण जीएसटी से बेहद बेहाल है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान का व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इस सरकार में। और मोदी और योगी ने वो हद कर दी है कि व्यापार को कतई चौपट करने के चक्कर में है, क्योंकि सारा व्यापार उन्होंने उठा के बड़े लोगों के हाथ में दे दिया है। छोटा व्यापारी, मझोला व्यापारी, रेहड़ पट्टी वाले, जितने ठेले वाले हैं, जितने जो भी व्यापारी वर्ग से संबंधित लोग हैं, इस समय हाहाकार मचा हुआ है। तो इसी के विरोध में, क्योंकि 5% से बढ़ा के जीएसटी उन्होंने जूते और कपड़ा, जो कि अति आवश्यक आवश्यकता में आता है, बगैर जूते और कपड़े के आदमी चल फिर भी नहीं सकता उस पर इन्होंने, जबकि टैक्स ही नहीं होना चाहिए कायदे में, तो लेकिन 5% लगाया, अब उसके बाद 12% लगा रहे हैं। ये बेहद गलत है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। समाजवादी किस तरह से परेशानी आएंगी व्यापारी को काम करने में? जी बहुत परेशानी आएंगी और आ रही है परेशानी। इस समय सारे व्यापारी इस समय जीएसटी में लिए हुए हैं। एक्चुअली जूते चप्पल क्या क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल, हम मांग करना चाहेंगे जूते पे और किसी कपड़े पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति आवश्यक आवश्यकता है। ये रोटी कपड़ा और मकान हमारा मौलिक अधिकार है, हम उसे हर जनता का मौलिक अधिकार है और सरकार की ये ड्यूटी है कि रोटी कपड़ा और मकान उन्हें बिल्कुल निशुल्क मुहैया कराए कायदे में, तो क्योंकि बेसिक चीज़ है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टैक्स लगा के इन्होंने जता दिया है कि इनकी मानसिकता कितनी गलत है।